हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैंटास्टिको स्टडी। आज मैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने जा रहा हूँ। एबीसी एंड एडीसी आर टू राइट ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूस एसी। प्रूव दैट एंगल सीएडी इज इक्वल टू एंगल सीबीडी। यानी हमको दो राइट एंगल ट्राइंगल्स दिए, एक है एबीसी दूसरा है एडीसी, और जिनका हाइपोटेन्यूस यानी राइट एंगल के सामने वाली साइड जो कि यहाँ पे एसी है वो कॉमन है। तो हमको ये प्रूव करना है कि जो एंगल सी ए डी है यानी एंगल सी ए डी यानी ये वाला एंगल इक्वल है एंगल सी बी डी के यानी एंगल सी बी डी इस वाले एंगल के। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बी डी साइड को यहाँ मैंने कलर ड्रॉ किया है ताकि आपको पता रहे कि ये जो हमारे ट्राइंगल्स है उनका पार्ट नहीं है, और आपको कंफ्यूजन ना हो कि जो हमारे ओरिजिनल ट्राइंगल्स है एबीसी और एडीसी वो है कौन कौन से। क्वेश्चन में बताया है कि एबीसी और एडीसी दो राइट ट्राइंगल्स है, तो गिवन में मैं यही एज इट इज लिख दूंगा, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एडीसी आर राइट ट्राइंगल्स। राइट ट्राइंगल्स मतलब राइट एंगल ट्राइंगल्स। और क्वेश्चन में प्रूव करने को कहा है इन दोनों एंगल्स को इक्वल, तो टू प्रूव में मैं लिख दूंगा एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। अब आते हैं प्रूफ पे। देखिए जो एंगल बी है और एंगल डी है वो इन दोनों ट्राइंगल्स एबीसी और एडीसी के राइट एंगल्स है, ये और ये। तो मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू 90 डिग्री, इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ये हमको क्वेश्चन में ही बता रखा है। इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन वन, इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन टू, और इन दोनों को हम कर देंगे एड। तो मैं लिखता हूँ एड 1 प्लस 2, तो दोनों का एलएचएस में पहले ऐड कर दूंगा, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 प्लस 90, क्योंकि अब मैं दोनों का आरएचएस ऐड करूंगा। तो एंगल बी प्लस एंगल डी आ गया मेरे पास 180 डिग्री। अब आप यहां पे देखेंगे कि जो एंगल बी और एंगल डी है, अगर आप एबीसी और एडीसी इन दोनों ट्राइंगल्स को सेपरेटली ना देख के एबीसीडी एक पूरे क्वाड्रिलेटरल की तरह देखें, तो आपको पता चलेगा कि ए बी और एंगल डी इसके जो है ऑपोजिट एंगल्स है, और ऑपोजिट एंगल्स का सम जो है वो यहाँ पे 180 डिग्री आ गया है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी होती है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की होती है, और वो इस क्वाड्रिलेटरल में भी अप्लाई हो गई है। तो मैं लिखता हूं सिंस सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, देयरफोर एबीसीडी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री वाली, वो इस क्वाड्रिलेटरल में भी अप्लाई हो गई है। अब जब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव हो गया है, तो एक सर्कल की जितनी भी प्रॉपर्टीज या थ्योरम्स होंगी वो इस क्वाड्रिलेटरल पे अप्लाई हो जाएंगी। तो मैं देखता हूँ कॉपी रोटेट करके कि जो सीडी लाइन है, सीडी सेगमेंट भी कह सकता हूं मैं इसको, वो जो है वो ए बी लाइन पे दो एंगल सबटेंड कर रही है, एक है एंगल बी और एक है एंगल ए, और ये दोनों एंगल्स एक ही सेगमेंट से सबटेंड हो रहे हैं सीडी सेगमेंट से। और हमने ऐसा थ्योरम पढ़ा है कि जब एक सेगमेंट दो एंगल सबटेंड करती है तो वो दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। तो मैं लिखता हूं एंगल सी बी डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, और इसका रीजन होगा एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। और यही हमको टू प्रूफ में प्रूफ करने को कहा गया था कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है, और यहां पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।